अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ धनिए और पुदीने की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने धनिए और पुदीने का एक एक बंच लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। सब्ज़ मिर्चें, नमक और लीमू के रस का इस्तेमाल भी करेंगे और लीमू का रस जो है वो हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। इसके साथ हम पानी का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। हम टोटल आधा कप पानी इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़रूरत हो आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने नमक का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लीमू के रस डालने का मकसद ये है कि चटनी जो है उसका रंग भी ख़राब ना हो और चटनी ज़्यादा देर तक महफूज रह सके। इस तरह से आप ये चटनी बनाकर तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे फ्रिज में रखना है। ये चटनी दही बड़े के लिए भी इस्तेमाल होगी। हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने थोड़ा सा पानी और शामिल कर लिया और हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। चटनी तैयार है और ये फाइन पेस्ट बन गया है। शुक्रिया।